वालदेन को अपनी जन्नत बना लो, माँ बाप को अपनी जन्नत बना लो, उनकी दुआ ले लो। मेरे नबी ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती। माँ, माँ का ख़ास तौर पर मेंशन किया, मेरी माँ जिंदा, क्यों कि बाप को तो देखा ही नहीं और माँ को देखा है 6 साल। मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मेरा नबी कह रहा है। और जब आप हज पे तशरीफ़ ले गए और अबवा के मैदान से गुजरे जहाँ मेरे नबी की वालदा का इंतकाल हुआ था, इस बात को 57 साल गुजर चुके हैं, 6 बरस की उम्र में मदीना से निकले 3 अफराद, मेरे नबी, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी के वालिद की बांदी उम्म ऐमन, वो भी माँ हैं, उन्होंने भी दूध पिलाया था मेरे नबी को। 2 माएँ हैं, एक दूध पिलाने वाली, एक पैदा करने वाली, और एक मेरे नबी हैं। जब अबवा के पहाड़ों में पहुँचे तो अचानक हार्ट अटैक से हजरत आमना 25 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गईं। और मेरे नबी ने इतना उसका गम लिया, 6 साल का बच्चा, मैं सन 2000 में वहाँ गया था, मेरे आंसू नहीं रुकने को आ रहे थे कि कहाँ मेरे नबी की माँ को अल्लाह ने उठाया, ना कोई आसरा, ना कोई सहारा, ना कोई रिश्ता, ना कोई झोली, ना कोई छांव, ऐसे तने तनहा यतीम कर दी। जब उनको पत्थरों में दबा के नीचे उतरे, उम्मे ऐमन को से हाथ छुड़ाकर भागे और ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए। जब उम्मे ऐमन पीछे गईं तो आपने, उम्मे ऐमन ने क्या देखा कि अबवा के पहाड़ भी रो रहे होंगे, अब माँ की कब्र को चिमट के ऐसे ऊपर लेटे हुए थे, कब्र को पकड़ा हुआ था, ऊपर लेटे हुए थे। जब उम्मे ऐमन करीब आई तो सुना आप कह रहे थे, अम्मा जी आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई ना था, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, क्यों चली गई। 6 साल का बच्चा पहली मौत देख रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ के साथ हुआ क्या है। उम्मे ऐमन ने उठाना चाहा, आपने उठने से इनकार कर दिया। इस सदमे को सीने में लिए हुए 57 साल के बाद, 57 दिन बंदा रो नहीं सकता, रोना ही चाहे तो रोन नहीं आता, 57 साल के बाद आप उस वादी से गुजरे, अपने ऊँटनी को माँ की कब्र की तरफ मोड़ दिया और इन पिलर्स को 3 गुना करो तो वो पहाड़ बनता है, छोटे छोटी पहाड़ी थी, ऊँटनी को नीचे बिठाया, ऊपर पहाड़ पर गए और ये मुझे देखो, यूँ आपने घुटने खड़े किए माँ की कब्र के सराहने और ये हाथ यहाँ रखे और फिर सर दिया अपने घुटनों में यूँ, फिर रोना शुरू किया। इतना रोए, अप्रैल का महीना था, धूप सर पे पड़ रही थी, हम तो ठंडी धूप में बैठे हैं, शदीद धूप में बैठे थे और इस कंडीशन में, ये बच्चों का स्टाइल होता है जब लंबा रोना हो तो वह यूँ बैठते हैं सर अंदर देकर। इतना रोए कि आपकी दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई, सीना तर हो गया, एहराम तर हो गया और कई घंटे बैठ के रोते रहे। 2 जहान के सरदार होकर तमन्ना कर रहे हैं, काश अम्मा तू जिंदा होती, तू मुझे कहती मोहम्मद, मैं तेरे लिए नमाज तोड़ देता। और मेरे नबी ने, ये बच्चियां गौर से सुनो, मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह क्यामत कब आएगी, आपने फरमाया तो अल्लाह को पता है, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कोई निशानी बता दे, तो आपने फरमाया जब बच्चियां माओं को जलील करेंगी तो क्यामत आ जाए, बेटियां जब बेटियां माओं के साथ बदतमीजी करेंगी और माओं को जलील करेंगी तो क्यामत आ जाएगी। एक माँ बेटी को मैं भूल नहीं सकता, माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे और बेटी माँ से कह रही थी भाव का नहीं, हमारी अपनी पंजाबी जुबान, भाव का नहीं, ओए ये तो हम नौकर को कहते हुए डरते हैं, वो माँ से कह रही थी भौक नहीं, यानी बकवास ना कर, और वो आगे चुप, सिर्फ आंसू उसके गिर रहे थे ऐसे। शायद वो याद कर रही थी कि 9 महीने कैसे इसको मैंने पेट में पाला, जनते हुए कितनी तकलीफ़ों से गुजरी और इसको दूध पिलाते हुए कितनी रातें मैंने काट काट के गुजारी और इसके पेशाब धोते हुए कितनी दफ़ा मैं सर्दी में ठिठरी और आज ये मुझे कह रही है भौक नहीं।
इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, जिसने माँ बाप को दुख दिया, सुनो गौर से बच्चों सारे सुनो, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर ज़मीन आसमान की लानत, न उनकी नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न सदका कबूल है।